दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। विटामिन ई कैप्सूल हम लोगों को कितना फायदेमंद है और इसे स्किन के लिए वरदान समझा जाता है। दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल हमें किस समय लगाना चाहिए और कैसे इसका सेवन करना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा। दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल आपको स्किन से जुड़ी दिक्कतों से निजात दिलाती है और बेहतर साबित होती है, लेकिन दोगुने लाभ के लिए इसे चेहरे पर किस समय लगाना चाहिए ये अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं सुंदरता का विटामिन कौन सा है। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह आपको त्वचा और बालों से जुड़ी कई दिक्कतों से निजात दिला सकता है, इसलिए विटामिन ई कैप्सूल जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन ई कैप्सूल हमें किस समय लगाने चाहिए? विटामिन ई कैप्सूल को लगाने का सही समय रात को सोने से पहले होता है। रात को सोने से पहले आप इसे लगाइएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। कितनी देर तक लगाएं विटामिन ई कैप्सूल? विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को आप चेहरे पर रात भर के लिए लगाकर रख सकते हैं। रात में लगाकर आप छोड़ दीजिएगा और सुबह में इसे धो लीजिएगा। विटामिन ई के कैप्सूल हफ्ते में कितनी बार लगाना चाहिए? आपको हफ्ते में मात्र 2 से 3 बार ही विटामिन ई कैप्सूल को लगाने की सलाह दी जाती है। इससे अधिक बार लगाने से त्वचा को नुकसान पहुँच सकता है। विटामिन ई लगाने के बाद चेहरे को कैसे धोना है? विटामिन ई कैप्सूल को लगाने के बाद फेस वॉश करने के पहले आप सादे या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और उसी से आप अपने फेस को धोएं। विटामिन ई कैप्सूल को कैसे लगाना है? विटामिन ई कैप्सूल को आप एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल, पपीते व केले के गूदों में मिलाकर, नींबू के रस में, गुलाब जल व शहद के साथ भी मिलाकर लगा सकते हैं। दोस्तों ये थी विटामिन ई कैप्सूल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता चला हो कि विटामिन ई कैप्सूल कैसे लगाया जाता है। अगर आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी टिप्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।